हेलो गाइस, बात करेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में। लेकिन जो लोग जो ऑलरेडी रिलायंस को थोड़े से लंबे पीरियड ऑफ टाइम से ट्रैक कर रहे हैं, उन्होंने देखा होगा कि जो भी रिसेंट एनुअल मीटिंग थी उसमें भी मुकेश अंबानी ने जो है अपना जो बिजनेस है ऑयल टू केमिकल वाला, वो जो है सऊदी अरामको को बेचना चाह रहे थे अपने 20% ऑयल टू केमिकल बिजनेस को। बाकी वो डील जो है रिसेंटली कैंसिल हो गई है, बट फिर भी उनका जो है 2030 तक का प्लान है कि रिलायंस को जो है नेट जीरो कार्बन एमिशन वाली कंपनी बना लिया जाए। तो उसी डायरेक्शन में थोड़ा सा डेवलपमेंट होता हुआ देखने को मिल रहा है कि रिलायंस की एक सब्सिडरी कंपनी है जिसका नाम है रिलायंस न्यू एनर्जी सोलर लिमिटेड करके ये कंपनी है। उसने एक चाइना की कंपनी है, चाइना नेशनल ब्लू स्टार उसकी कंपनी है, REC सोलर होल्डिंग्स AS करके। तो इस ग्रुप की जो है 100% शेयर होल्डिंग खरीद ली। तो अब कह सकते हैं कि REC सोलर जो है चाइना, ये अब जो है रिलायंस की कंपनी बन गई है। अब अगर इसको थोड़ा सा REC सोलर होल्डिंग को देखें कि ये करती क्या है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है अभी रिलायंस की कंपनी बन गई है। अब इसकी जो मैं वेबसाइट पे अगर जाऊँ, तो मैंने वेबसाइट ओपन करके रखी हुई है, तो यहाँ पे जो है मेनली ये लोग क्या करते हैं कि ये जो सोलर प्लेट्स हैं उनको मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है ये जो कंपनी है। तो ये REC सोलर पैनल्स फॉर होम बिजनेसेस पावर प्लांट्स, मतलब पूरे पूरे प्लांट लगा देती है इस तरह से। तो ये कंपनी जो है इस तरह का काम करती है। और रिसेंटली इसका अगर न्यूज़ लेटर भी पढ़ेंगे आप, तो उसमें भी उन्होंने ऐसा कहा है कि ये जो है रिलायंस इंडस्ट्रीज का पार्ट बन चुकी है अभी। और देखा जाए तो ये जो REC ग्रुप है वो एक इंटरनेशनल पायोनियर सोलर एनर्जी कंपनी है। हेडक्वार्टर इसका नॉर्वे के अंदर, नॉर्वे जो है यूरोप में पड़ता है। तो इसने जो है अभी यहाँ पे भी इन्होंने बताया है कि ये जो है यहाँ पे 100% शेयर होल्डिंग जो है रिलायंस के पास आ गई है इसकी। तो इसी जो इनका ग्रीन एनर्जी बनने का सपना है रिलायंस का, उसी डायरेक्शन में चल रहे हैं ये। क्योंकि आपको पता है कि गुजरात में इन्होंने 4 गीगा फैक्ट्रीज डालने का भी इन्होंने एनुअल मीटिंग के अंदर अनाउंसमेंट किया था, और उसके लिए जो है 75,000 करोड़ का जो है उसमें फंड भी अलोकेट करके रखा था, जिसमें से 60,000 करोड़ का जो फंड था वो सिर्फ गीगा फैक्ट्रीज के लिए अलोकेट किया था। गीगा फैक्ट्रीज का कॉन्सेप्ट जो है इलोन मस्क जो है कुछ टाइम पहले लेके आए थे, 4 से 5 साल पहले। अगर वो वीडियो भी आपको देखना है तो डेफिनेटली मेरे इस चैनल पे जा करके प्लेलिस्ट में जाइएगा, और रिलायंस इंडस्ट्रीज से रिलेटेड सारे वीडियोस आपको वहाँ पे एक साथ मिल जाएंगे। तो इस तरह के और भी शेयर मार्केट से जुड़े वीडियोस देखने के लिए आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।